अफ्रीकी देश बुरंडी से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए 6 छात्र लापता हो गए हैं। प्रतियोगिता रविवार से मंगलवार तक चली, जिसके समापन समारोह के बाद से ये छात्र लापता हो गए। वॉशिंगटन डीसी पुलिस छात्रों की तलाश कर रही है। इसराइल में सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। ये सभी इसराइल के नए सुरक्षा नियमों का विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते से जारी है। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत और बिजली को फिर से शुरू करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। करीब 400 लोगों को इस काम में लगाया गया है। यूनान में करीब 20,000 घरों की बिजली बारिश के बाद से गुल है। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में सुरक्षा बलों के ठिकाने पर हमला कर आतंकियों ने हथियार लूट लिए। सुरक्षा बलों ने हमलावरों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो हथियार लेकर भागने में कामयाब रहे। अमेरिका में मैरीलैंड में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस खुद ड्रग्स रखती हुई पाई गई। बॉडी कैमरे की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी खुद एक पैकेट कूड़ेदान में रखता है। मामले में पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वेनेजुएला में कल विपक्षी पार्टी के बंद के दौरान काराकस में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी देश में राष्ट्रपति चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, साथ ही नई संविधान पीठ बनाए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो के पास देश के पहले लार्ज स्केल सोलर प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लांट से हर साल 1,10,000 घरों को बिजली मिलेगी। कहा जा रहा है कि इस प्लांट की वजह से हर साल 1,00,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी। ब्रिटेन में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके सफेद गैंडों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए IVF तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे इन दुर्लभ गैंडों की नस्ल को खत्म होने से बचाया जा सके। दुनिया में अब सिर्फ 3 सफेद गैंडे बचे हैं, जो कीनिया में 24 घंटे कड़ी पहरेदारी के बीच रखे गए हैं। कनाडा के गवर्नर जनरल ब्रिटेन की महारानी को लेकर विवाद में फंस गए हैं। अपने लंदन दौरे के दौरान महारानी के सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए महारानी को हाथ से पकड़ लिया। बाद में सफाई में कहा कि उन्होंने ऐसा महारानी को गिरने से बचाने के लिए किया। इसराइल की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर फ्रांस ने एक नया स्पेस मिशन लॉन्च किया है। वीनस नाम का यह मिशन इंसानी गतिविधियों के सब्जियों, पानी और कार्बन पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेगा। इस काम के लिए भेजी गई सैटेलाइट 110 इलाकों की जांच करेगी।